तो आपकी YouTube वीडियोस के थंबनेल्स में क्या कमी है, आज है उसका पार्ट थ्री। और आज हम बात करेंगे आपके थंबनेल्स के कलर कॉम्बिनेशंस के ऊपर। अब देखो, जो कलर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो आखिरकार डिसाइड कैसे करा जाए कि कौन से कलर्स हमें रखने चाहिए बैकग्राउंड में और कौन से कलर्स हमें रखने चाहिए अपने फ्रंट में। सबसे पहले तो देखो, काफ़ी दिनों से वीडियो आई नहीं क्योंकि मैं दूसरे बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा बिजी था। और अगर आप हमारे मेन चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हमने अपनी जिम ओपन करी है पानीपत के अंदर, जो पानीपत की सबसे बड़ी जिम में से एक है। वो जिम मैंने कैसे ओपन करी उसके ऊपर हम मेन चैनल पे अपनी वीडियो बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। और अगर आपके उससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, हम मेन चैनल पर वीडियो में आंसर जरूर करेंगे। नाउ बैक टू द वीडियो। थंबनेल में कलर कॉम्बिनेशंस बनाना देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है नहीं जितना आपको लगता है। ये फोटो आप स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, यहाँ पे आपको देखो बेसिकली ये कलर व्हील है। आप ये गूगल पे भी लिख सकते हैं कलर व्हील, और यहाँ पे इस तरीके की फोटोज के सैंपल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब ये कलर व्हील बेसिकली है क्या चीज? अब ये कलर व्हील बेसिकली डिसाइड करेगा कि आपके बैकग्राउंड में कौन सा कलर होगा और आपके फ्रंट में कौन सा कलर होगा। अब जैसे सेकंड पार्ट में हमने समझाया था कि तीन लेयर्स हमारी होनी चाहिए, बैकग्राउंड की, बीच की और फ्रंट की। अब उन तीनों लेयर्स में जो हमारे बैकग्राउंड का कलर होगा, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो आप एक कलर चूज करते हो पर्पल कलर का। अब इस कलर व्हील के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि हमारा बैकग्राउंड यानी कि पर्पल या वॉयलेट कलर जो भी हमने चूज करा है उसके अपोजिट में कौन से कलर्स हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑरेंज, येलो, येलो और ऑरेंज के बीच की शेड्स, ये सारे हमारे पर्पल के अपोजिट में आते हैं। तो हमारा जो फ्रंट होगा वो होगा हमारा येलो से ऑरेंज की शेड का, और जो हमारा बैकग्राउंड होगा हमारा पिंक से मरून यानी कि डार्क वॉयलेट या पर्पल की शेड का। अब अगर बैकग्राउंड हमारा ग्रीन है तो उसका अपोजिट कलर होगा हमारा रेड, येलो, ऑरेंज, कुछ इस टाइप में। अब ये जो कलर्स हैं ये ऐसे ही रैंडमली मैं नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल में साइंटिफिकली प्रूवन है और यूट्यूब के एल्गोरिज्म के अकॉर्डिंग भी ये फैक्ट्स हैं कि ये जो कलर्स हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो आपका बैकग्राउंड का कलर होगा उसके अपोजिट के कलर आपके कपड़े होंगे, या फिर जो आपके फ्रंट के एलिमेंट्स हैं उनके कलर्स होंगे, तो वो दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग से निखर के सामने आएंगी कि आपके बैकग्राउंड से आपका करेक्टर काफ़ी ज़्यादा निखर के आ रहा है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे क्या गलतियाँ करते थे पहले कि देखो एक सिंपल सा हमने एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड रख दिया और उसी कलर से मिलते जुलते हमने अपने फ़ोटोज़ भी लगा दिए। वो चीज़ भी आप कर सकते हो, लेकिन तब अगर आप फोटोशॉप में एक्सपर्ट हो तो, ताकि आप उनको अच्छे से ब्लेंड कर पाओ। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे बड़ी गलतियाँ लोग यही करते हैं कि कलर्स का कॉम्बिनेशन बनाना वो नहीं जानते। तो कलर व्हील्स आपको ज़रूर देखना है किस तरीके से ये काम करता है और इनको फॉन्ट में कैसे यूज़ करना है। फॉन्ट्स जो है हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉन्ट्स आखिरकार हमारा चौथा पार्ट होगा और फाइनल पार्ट होगा हमारे थंबनेल की सीरीज़ का चौथा पार्ट। अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।